इंडियन टू व्हीलर एक 100 सीसी से 125 सीसी वाली मार्केट है। इंडिया के अंदर 60% से भी ज्यादा मार्केट 100 सीसी से 125 सीसी वाली बाइक्स की है। और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे बजाज एक सक्सेसफुल बाइक ब्रांड बन चुका है इंडिया के अंदर, फिर भी वो इस कैटेगरी में सही से घुस नहीं पाया या फिर इस कैटेगरी को क्रैक नहीं कर पाया। क्योंकि जैसे हम मार्केट को देखते आए हैं कि इसमें हीरो ही एक ऐसा कॉम्पिटिटर है जो कि इस कैटेगरी को सही से क्रैक कर पाया है, और बजाज ने काफी ट्राई भी करा है कि इस कैटेगरी में वो कैसे न कैसे घुसे और इसको क्रैक करे, पर ऐसा कभी हो नहीं पाया। वैसे इतनी सारी सक्सेसफुल इनिंग्स रही हैं बजाज की, जैसे कि उनकी प्लेटिना, डिस्कवर और काफी सारी चीजें जो कि उन्होंने निकाली थी। तो आज इस वीडियो में हम वही सब बात करने वाले हैं। उससे पहले हम आगे बढ़े तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस देखते रहने के लिए बेल आइकन के साथ। तो इंडियन मार्केट के अंदर बजाज का काफी अच्छा समय रहा है फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ स्कूटर्स, जबकि वो स्कूटर बनाते थे जब भी इनका बिजनेस काफी सक्सेसफुल था। उसके बाद फिर ये टू स्ट्रोक बाइक्स में कावासाकी के साथ आए, फिर उसके बाद इन्होंने निकाली अपनी पल्सर रेंज। हाँ जी, इनकी पल्सर जो इतनी सक्सेसफुल हो गई इंडियन मार्केट के अंदर, जिसका क्रेज आप आज तक देख सकते हो, और उन्होंने इस लाइनअप को इतना बड़ा कर लिया है कि आप इसको वर्ल्ड वाइड देख सकते हो। तो जब बात करें इंडिया के अंदर जो मेनली बाइक है वो 100 सीसी से 125 सीसी तक की बाइक्स चलती हैं एज अ मिडिल क्लास फैमिली, और इनको एक कम्यूटर बाइक कहा जाता है। लेकिन अभी तक बजाज इस चीज को क्रैक नहीं कर पाया। तो बजाज ने इस सेगमेंट को क्रैक करने के लिए, यानी 125 सीसी सेगमेंट को क्रैक करने के लिए काफी ट्राई करा है, और ऐसे 5 बार करा उन्होंने। हम उन 5 बारों को आपके सामने निकाल रहे हैं। नंबर 1, बजाज विंड 125। हाँ जी, बजाज ने अपनी विंड 125 निकाली थी कावासाकी के कोलैबोरेशन के साथ। तो ये जो बाइक थी वो एक काफी अच्छी बाइक थी, और इसमें आपको 124.6 सीसी का इंजन मिलता था जो कि 10.7 हॉर्स पावर और 9.8 न्यूटन मीटर की टॉर्क रिलीज करता था। इसकी टॉप स्पीड थी 101 किलोमीटर पर आवर की, और इसमें आपको 30 लीटर का फ्यूल टैंक मिलता था। अगर हम बात करें इसके वेट की तो इसमें 121 किलोग्राम का वेट था। तो जो विंड 125 थी वो काफी शॉर्ट पीरियड के लिए ही रही इंडिया के अंदर, और ये लॉन्च हुई थी 46,000 रुपीज एक्स शोरूम प्राइस टैग पर। लेकिन फिर भी ये कामयाब नहीं हो पाई और फेल होकर रह गई। बाद में बजाज ने इसी डिजाइन लाइन के साथ उन्होंने अपनी प्लेटिना को लॉन्च करा, जो कि 100, 110 और 125 सीसी तीनों सेगमेंट में आती थी। तो ये सब चीजें आपने बाद में देखी, लेकिन बजाज विंड 125 उस टाइम पर सक्सेस नहीं कर पाई और 125 सीसी सेगमेंट को डोमिनेट नहीं कर पाई। सेकंड अटेम्प्ट ऑफ बजाज, बजाज एक्सीडी 125। बजाज एक्सीडी 125 एक मिक्सचर था पल्सर और डिस्कवर के बीच का। वो काफी मतलब अलग से हटके लगती थी, और इसी बाइक पर मैंने एक अलग से वीडियो बना रखी है पूरी हिस्ट्री एंड इवोल्यूशन की, जिसकी वीडियो आप राइट हैंड साइड आई बटन में देख सकते हो। तो इस इनफेमस बाइक के बारे में आपने काफी ज्यादा जाना भी नहीं होगा। तो ये इंडिया की फर्स्ट 125 सीसी बाइक थी जिसमें आपको सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता था, और ये जो प्राइस के साथ आई थी वो काफी अट्रैक्टिव था। इसका प्राइस था उस समय 45,000 एक्स शोरूम, जो कि बजाज ने इसकी स्टॉप कर दी प्रोडक्शन 2009 के अंदर, क्योंकि इसके रीजंस थे जिसकी वजह से ये सक्सेस नहीं कर पाई, क्योंकि बजाज ने अपने पैरों पर खुद से कुल्हाड़ी मारी थी। इसके साथ दूसरा प्रोडक्ट लॉन्च कर दी जो कि हमारा नेक्स्ट प्रोडक्ट है इस वीडियो में। हां जी, थर्ड अटेम्प्ट बजाज एक्सीडी 135। तो बजाज ने फिर अपना तीसरा हुक्म का इक्का भी फेंक दिया मार्केट के अंदर कि बस कैसे न कैसे वो 125 सीसी सेगमेंट में कैप्चर कर पाए। बजाज एक्सीडी 125 के डिसकंटिन्यू होने के बाद और इस अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट के बाद बजाज ने फिर सोचा कि वो क्यों ना एक्सीडी 135 निकाले। हां जी, एक बिगर इंजन वाली बाइक, क्योंकि पब्लिक की इमेज उस समय बजाज ब्रांड को लेकर ऐसी हो गई थी जब से उनकी पल्सर रेंज यानी जो पल्सर सीरीज थी वो इतनी फेमस हुई, और उस जैसे ही पल्सर जैसे प्रोडक्ट कस्टमर एक्सपेक्ट कर रहे थे बजाज की तरफ से, ये बजाज काफी लेट समझा। फिर उन्होंने बजाज एक्सीडी 135 निकाली इसी कारण कि वो एक बिगर इंजन दें, यानी लाइक अ मिनी पल्सर। तो उन्होंने इसके थोड़ा स्टाइलिंग थोड़ी बेटर करी और इसको थोड़ा बड़ा इंजन दे दिया। तो इसमें बोर्ड आउट इंजन था जो कि 11 हॉर्स पावर और 11.58 न्यूटन मीटर की टॉर्क प्रोड्यूस करता था, जिसमें 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन भी था। इसकी टॉप स्पीड क्लेम करी जाती थी 105 किलोमीटर पर आवर की, और इस बाइक के अंदर आपको फ्रंट डिस्क ब्रेक एज अ ऑप्शन मिलती थी। और एक्सीडी 135 वैसे डिसकंटिन्यू होती नहीं, लेकिन बजाज ने फिर पता नहीं क्या सोचा, उन्होंने फिर नेक्स्ट बाइक निकाली जो कि हमारा फोर्थ अटेम्प्ट होगा बजाज का इस वीडियो के अंदर, जो कि अनसक्सेसफुल हो गई वही मार्केट कैप्चर करने में, यानी 125 सीसी वाली कम्यूटर बाइक मार्केट कैप्चर करने में।
वैसे जो इसका प्राइस था, स्टार्टिंग प्राइस जो XUV 135 लॉन्च हुई थी इंडिया के अंदर, वो थी 49,000 एक्स शोरूम, जो कि काफी लाजवाब प्राइस था इस जैसी बाइक के लिए। हाँ जी, फोर्थ अटेम्प्ट बजाज पल्सर 135 LS, यही वो बाइक थी जिसकी वजह से XUV 135 डिसकंटिन्यू हुई। हाँ जी, पल्सर 135 LS। जैसे कि मैंने आपको पहले बता दिया कि बजाज ये सोचने लगा था कि कस्टमर्स जो हैं वो मिनी पल्सर चाहते हैं, उनकी तरफ से एक ऐसी बाइक जो कि पल्सर जैसा फील दे, वो एक स्पोर्टी बाइक हो, तो उसके मद्देनजर रखते हुए बजाज ने अपनी पल्सर 135 LS निकाली, जिसमें LS का मीनिंग था लाइट स्पोर्ट, और ये 2009 में इंट्रोड्यूस हुई थी इंडियन मार्केट के अंदर, और ये किसी इंडियन ब्रांड द्वारा बनाई गई पहली बाइक थी जिसके अंदर 4-valve इंजन था और जिसका कंबाइंड वेट था 122 किलोग्राम का, जिसकी वजह से इसकी जो पावर टू वेट रेशियो था काफी अच्छा था और इसको जो परफॉर्मेंस मिलती थी वो भी काफी लाजवाब थी। इनफैक्ट अगर बात करें से पावर फिगर की, तो ये अपने 150cc सिबलिंग से बिल्कुल क्लोज थी। हाँ जी, इसकी पावर फिगर जो इस 135cc इंजन से निकलती थी वो थी 13 horsepower, जो कि काफी अमेजिंग थी उस वक्त। बजाज ने इसको थोड़ा सा अपडेट भी दिया 2017 में जाकर, एक माइल्ड अपडेट, लेकिन बाद में उसको रिलाइज हुआ बजाज को कि इसकी सेल्स तो उस तरह से हो ही नहीं रही है जो कि वो एक्सपेक्ट कर रहे थे, और लेकिन फिर जब BS4 अपडेट आया तो इसको डिसकंटिन्यू करने का प्लान बनाया बजाज ने, और जो इसकी रिटेल प्राइस थी लास्ट टाइम जब डिसकंटिन्यू हुई थी वो थी 65,000। हाँ जी, ये 65,000 रुपये में मिलती थी उस वक्त, और ये वाकई में एक मिस था कि क्यों ये सक्सेस नहीं कर पाई। अगर इस पर और थोड़ी सी R&D करी जाती तो ये बाइक एक हिट हो सकती थी, लेकिन इंडिया का इतिहास है कि कोई भी 135cc बाइक इंडिया में ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाई है। बजाज ने काफ़ी ट्राई करा है कि वो 125cc मार्केट में किसी न किसी तरह घुस जाएं, लेकिन वैसा हो नहीं पाया। लास्ट टाइम ऑफ दिस वीडियो बट नॉट द लीस्ट, बजाज V12। हाँ जी, बजाज की विक्रांत के बारे में तो आप सब जानते होंगे, वही V50, जिसमें INS विक्रांत का लोहा यूज करा गया था। हाँ जी, एक पेट्रोटिज्म मार्केटिंग करी थी बजाज ने उस वक्त, जिसकी वजह से V50 अच्छी खासी चली। ऐसे ही फिर उन्होंने बाद में V12 भी निकाली, जो सेम वैसी ही डिजाइन लाइन के साथ आती थी, जिसमें सेम फीचर्स मिलते थे, सिर्फ उसमें एक स्मॉलर इंजन मिलता था V12, जो कि एक 125cc इंजन था, जो कि डिस्कवर से ही बोरो करा गया था, और वो रिलीज करता था 10.7 हॉर्सपावर और 10.9 न्यूटन मीटर की टॉर्क। इसमें 5 स्पीड गियरबॉक्स दिया गया था, और बजाज उस समय इस बाइक के अंदर ड्रम ब्रेक्स देती थी, लेकिन एज अ ऑप्शन इसमें डिस्क ब्रेक भी मिलते थे। तो बात करें इसके प्राइस की, तो जिस समय ये डिसकंटिन्यू हुई इंडिया से, उस समय इसकी प्राइस थी 58,000 एक्स शोरूम, तो वो भी काफी डिसेंट प्राइस थी। तो यही वो 5 अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट थे जो कि बजाज ने करे थे 125cc सेगमेंट में अपनी पकड़ बनाने के लिए, पर दुर्भाग्यवश वैसा हो नहीं पाया। हम बात करें अगर दूसरी 125cc जो कि बजाज की लाइनअप में है, जैसे कि पल्सर 125 भी अब मार्केट में है, NS 125 भी मार्केट में है, और क्या पता बजाज N 125 भी निकाल दे, क्योंकि जैसे कि बजाज की टेंडेंसी रही है इतिहास में कि वो एक के बाद सेम प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं थोड़े बहुत मिलते जुलते, जिसकी वजह से कस्टमर कंफ्यूज हो जाते हैं। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। बजाज पल्सर सीरीज जो कि वाकई में एक अमेजिंग सीरीज है जिसके कोई तोड़ नहीं, लेकिन बजाज ने इस तरह से 125cc में आने के काफी अटेम्प्ट करे। होप यू लाइक द वीडियो, तो वीडियो को लाइक तो बनता है और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस देखते रहने के लिए बेल आइकन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।